सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षा जो कि 4 मई से प्रस्तावित है, उसमें हम किस तरह से किस रणनीति के साथ समय प्रबंधन करें कि समय के अभाव के कारण कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। साथियों, आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम में समय का बड़ा ही महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हमको प्रश्न आते रहते हैं लेकिन वे छूट जाते हैं, क्योंकि हमने पहले से कोई समय सारणी, समय मैनेजमेंट पर कभी सोचा नहीं होता है, कभी विचार नहीं किया होता है। जनरली जो स्कूल में टेस्ट होते हैं या हम खुद से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं, उसे हम एक तरह से शुरू करते हैं और हम टाइम नहीं देखते हैं, और जैसे भी हम लोग करके शुरू करते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा ध्यान टाइम मैनेजमेंट पर भी होना चाहिए। यह हर एक एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक पहलू है। तो आइए जानते हैं, हम आज बात करेंगे CBSE क्लास 10th की रिड्यूस्ड एग्ज़ाम के संदर्भ में। अंग्रेजी विषय के बारे में जानेंगे तथा आप लोगों के कमेंट आएंगे तो हम और विषयों के बारे में भी समय प्रबंधन की सारणी आपके साथ लेके प्रस्तुत होंगे। देखिए बच्चों, आपको CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए ये देखिए पूरे 9 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जैसे कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए हमने समय का प्रबंधन, समय का डिवीज़न यहाँ कर रखा है, इसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला एक क्वेश्चन रहेगा डिस्कर्सिव पैराग्राफ, जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिया जाता है। इसे पैराग्राफ को पढ़ करके आपको MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो कि टोटल 12 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, और आप इसके लिए मैक्सिमम समय 15 मिनट लगाएंगे। दूसरा पैराग्राफ आपको फैक्चुअल पैसेज रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं फैक्चुअल पैसेज काफ़ी आसान होते हैं, तो इसमें आप 15 मिनट ने समय लिखा है लेकिन आप इसे कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में इसे पूरा कर लें। आप इसके लिए घर पे भी अभ्यास कर सकते हैं कि एक फैक्चुअल पैसेज को 10 मिनट में सॉल्व कर ले पा रहे हैं या कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप सैंपल पेपर की भी मदद ले सकते हैं। इसके बाद एक प्रोज से और एक पोएट्री से एक एक पैसेज आएगा, जो कि 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न उसमें रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है छात्रों कि आप सभी प्रश्नों को, सभी अध्यायों को एक बार पूरी तरह से पढ़ जाइए, ताकि पैसेज देखते ही आपको समझ में आ जाए कि यह पैसेज किस अध्याय से लिया गया है। और आप जानते हैं पैसेज को, अध्याय को पढ़ना, पर एक बार अगर आप अध्याय पढ़ लेते हैं, सभी अध्याय, ज़्यादा अध्याय है नहीं, जो भी अध्याय हैं आपके चैप्टर्स जो भी हैं, उन सबको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इस पैसेज को पहचानने में। और अगर आपको एक बार चैप्टर पता चल गया कि किस चैप्टर से है, तो आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। इन दोनों के लिए मैंने 10-10 मिनट का समय लिखा है कि आप कोई भी फैक्चुअल पैसेज जो कि सैंपल पेपर से हो सकता है और या अन्य कहीं से हो सकता है, आप उसे सॉल्व करके देखें कि क्या 10 मिनट में आप एक 5 MCQ प्रश्नों पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि आपके दोनों बुक्स पे आधारित होगा, उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यह रणनीति आप पहले से ही लेकर के चलिए। इसके बाद आते हैं ग्रामर। ग्रामर में आपको 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आधारित होंगे टेंसेज पे, मोडाल्स पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जिसे कॉन्कर्ड भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पे भी 3 क्वेश्चन रहेंगे और डिटरमाइनर्स पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो टेंस, मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच, जिसका काफ़ी अच्छा अभ्यास आप लोगों ने किया है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन डिटरमाइनर्स आते हैं, जो कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूप में आ जाते हैं या किसी और फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह के 10 क्वेश्चन आपको अभ्यास करके 10 मिनट में करने के प्रयास कर लेने हैं। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसलिए आप अगर पहले से ये समय सारणी और समय प्रबंधन बनाए रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको पहले एक फॉर्मल लेटर लिखना रहेगा, जो कि ऑप्शन में उसके दिया रहेगा, 2 लेटर्स दिए रहेंगे, उसमें से एक लेटर लिखना रहेगा। ठीक ना, तो आप जनरल एक सरसरी निगाह से पहले देख लीजिए कि कौन सा लेटर आप लिखने जा रहे हैं और कौन सा फॉर्मेट आप घर से तैयार करके ले जा रहे हैं। ठीक ना, लेटर किस टॉपिक पर आएगा,
कंप्लेंट पे, रिक्वेस्ट पे आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तीन ही टॉपिक दिए गए हैं लेटर के लिखने के, उन तीनों में से आपको जिस पे भी लिखना हो तो दो आप तैयार कर लेंगे, तो एक नहीं भी तैयार करेंगे तो उसका काम हो जाएगा। और उसके बाद आता है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना। इसमें आपको मैंने बताया कि कोई भी ग्राफ, चार्ट या टेबल दिया रहेगा, इसमें भी दो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको कोई एक करना रहता है, तो आप दोनों वो क्वेश्चंस को पढ़ने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक ना। या तो आप ग्राफ का दिया हुआ डाटा अगर लिखने में महारत हासिल कर चुके हैं, इफ़ यू हैव, तो आप बस एक ही प्रश्न को पढ़ेंगे और उसे ही करेंगे, अगला प्रश्न बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, टाइम पढ़ने में नहीं बर्बाद करेंगे। अगर पढ़ना है तो जो पेपर होने के 15 मिनट पहले टाइम दिया जाता है, 15 मिनट रीडिंग का, उसमें आप रीडिंग कर लेंगे और आप डिसाइड कर लेंगे पहले ही कि आपको किस लेटर को, किस पैराग्राफ को लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद आता है कि 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि दो दो मार्क्स के रहेंगे। दो मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 लाइनें कम से कम लिखनी है, ठीक ना। इस 3 लाइनों के माध्यम से कम 3 लाइनें आप लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा भी से नहीं करेंगे, अधिकतम 4 लाइन, 3 से 4 लाइन लिखेंगे। और इसमें हर क्वेश्चन के लिए अधिकतम 8 मिनट देंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे और उसे अच्छे से लिखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वही बात लिखेंगे, ऐ नहीं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है आप लिख कुछ और रहे हैं। इसी तरह फिर 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट बुक से रहेंगे, 3 क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से रहेंगे, इसलिए दोनों बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें 4 से 6 लाइन के बीच में लिखा जाता है आंसर, ठीक ना। 4 से 6 लाइन आपकी कापी में, 4 से 6 लाइन, दोनों तरफ हाशिया भी छोड़ेंगे आप कापी के में। और यह क्वेश्चन लिखने में, एक क्वेश्चन लिखने में इसमें 10 मिनट का आराम से समय लेकर के अच्छे से दूर दूर और साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे, और यह क्वेश्चन आपको 40 मिनट में होंगे, ठीक। इसके बाद आते हैं 1 out of 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से होगा। तो इसमें भी आपको काफ़ी चैप्टर्स क्लियर हैं, कि जो कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है कि शर्मन एट बनारस, भोल, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी इसमें लेंचो वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन दे देता है। तो इसमें आप 15 मिनट में 5 नंबर का एक क्वेश्चन लिखेंगे, जो कि 1.5 पेज से 2 पेज तक का लिखेंगे, ठीक ना। मिनिमम 1 पेज लिखना ही लिखना है। इसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन आपको रहेगा जो कि लॉन्ग आंसर लिखना रहेगा, और यह फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रहेगा, ठीक ना। इसमें भी आपके चैप्टर्स काफ़ी क्लियर हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स से जो मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन शेयर किए हैं उनकी मदद से आप इसमें से क्वेश्चन लिखने का अभ्यास कर लेंगे, कि क्या आप 15 मिनट में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि मैं बता चुका हूँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें कुछ आपकी आइडिया पूछा जाएगा, और आप अपने आइडिया को, अपने माइंड को अनुसार बनाइए और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना सीखिए। इसका अभ्यास करने का आप समय जो 1 महीने का बचा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे सीखने के लिए आप कहीं से भी सीखिए, बस आपके अंदर एक्सप्रेशन की शैली भी डेवलप होनी चाहिए। और जब आप जो भी पूछा जा रहा है, हर चैप्टर में एक स्टोरी है, स्टोरी के पीछे की बात पूछी जाएगी, कि अगर आपको दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए पूछी जाएगी बात कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो बच्चों आप इस पर ध्यान देंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, और जितना ये हमने यहाँ टाइम लिख रखा है इतने टाइम से कम टाइम में ही अभ्यास करके अपने आप को सफलता के उच्चतम शिखरों पर पहुंचाना है छात्रों। और मैं आपको बता दूं कि इन सब के साथ साथ आप, मैंने जो टाइम यहाँ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का पर डे प्रैक्टिस करिए, और तथा घड़ी से देख के करिए कि आप जो मैंने टाइम दे रखा है, फ्रेम दे रखा है, उसको आप उतने टाइम फ्रेम के अंदर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो और आपको ट्राई करने की ज़रूरत है और अपने आप को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी चैप्टर्स को, दोनों बुक्स के सभी चैप्टर्स 2-2, 3-3 बार पढ़ जाइए, खाली टाइम में बैठे ना रहिए, ठीक ना। और मैंने आपको एजुकेशनल वेबसाइट का एक लिंक शेयर किया था, जिसके माध्यम से आप सभी चैप्टर्स का अपने स्पेयर टाइम में, खाली टाइम में आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो गाना सुनने से अच्छा है, म्यूजिक सुनने से अच्छा है कि आप जब कोई, और ये बहुमूल्य समय है, और इस समय में आप उन सभी चैप्टर्स के, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं
उनके ऑडियो आप सुन जाइए और सभी चैप्टर्स को पढ़ जाइए, ठीक ना। क्योंकि रीडिंग से आपको राइटिंग एबिलिटी डेवलप होती है और बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।